नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर मेरा वेबसाइट में मैं लोड करता हूँ www.stocktradingadvisor.wordpress.com, उसी को आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकता है। तो रेगुलर जो मैं व्यू देता हूँ मेरा वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और कुछ डेवलपमेंट भी होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग मेरा वेबसाइट पे भी सब्सक्राइब कर सकता है क्योंकि आप लोगों को ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैंने आज का जो व्यू कल के लिए जो मैंने व्यू देना चाहता हूँ तो उसको मैंने स्क्रीन करके दिखाता हूँ। टाटा में जाके फर्स्ट ये रो को सिलेक्ट करना है, इसको फिल्टर लगाना है। मैंने फर्स्टली प्राइस को 100 के ऊपर कर लेते हैं। इधर जो मैंने एमएसडी को लगाया था, इसको मैंने आज सेल साइड में दिखाना चाहता हूँ। तो इधर एमएसडी लेस देन 1 जो है उसको फर्स्ट पहले स्क्रीन कर लेता है। आरएसआई को भी स्क्रीन कर लेता है। उसके बाद सीधा इधर ट्रेंड देखने के लिए देखता है। ट्रेंड देखने के लिए आ जाइए तो इधर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 1 में जो दिखता है सेल साइड में वो देख लेता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी 2 वो 0 ऑलरेडी हो गया। इधर और भी ट्रेंड देखने का है तो उसको भी स्क्रीन कर लेता है। इसको स्क्रीन कर लिया, उसके बाद इसको भी स्क्रीन कर लेता है 5। और देखते हैं, और करने का ज़रूरत नहीं है। आप देखिए इधर इधर मैंने मेरा आप अगला वीडियो में बोला था कि जब भी ये स्क्रीन करेंगे तो इसको ईएमए का क्रॉसओवर, और आप लोगों को देखिए बाय सेल लेवल इंट्राडे ये देखिए पिवट पॉइंट और S1 के बीच में है। पोजिशनल ट्रेडिंग का बीच में ये भी देखिए सेल साइड में दिखा रहा है, पिवट पॉइंट S1 S2 के बीच में है। तो और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी ऐसा है और शॉर्ट टर्म में भी ऐसा है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में इतना ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म 52 वीक का देखने के लिए। और देखिए प्रीवियस ऑटोमेटिकली जो न्यू लोज बना वो देखिए 2 वीक का हिसाब से, जो लो न्यू लोज बना 30 डेज का हिसाब से न्यू लो बना वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन हो गया। और इधर देखता है ये में एमएसडी आरएसआई कितना दिखा रहा है। देखिए एमएसडी सिग्नल सब ये माइनस दिखा रहा है, इतना माइनस दिखा रहा है। और आरएसआई देखिए इधर कम है, तो इधर आप लोग पोजीशन ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आया आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये बाय सेल लेवल, ये देखिए इधर आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप खुद मिल गया। एमएसडी मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, एमएसडी आरएसआई पिवट पॉइंट, और जो सबसे अच्छा चीज़ है इसमें ये ट्रेंड का जो आप लोग, ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ये ट्रेंड ऐसे कैलकुलेशन करके बनाया हूँ तो इसको आप लोग कहीं पर नहीं मिलेगा। ये ट्रेंड एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से जाएगा, और स्क्रीनिंग करने से आपको और इतना सारा और भी दिया हूँ। और एक पैकेज में आप लोगों को कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर सभी एक ही फॉर्मेट में बना हो, उसमें रिकमेंडेशन का भी दिया हो। और देखिए मेरा वो जो कौन सा स्टॉक कौन सा
निफ्टी के साथ